भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल प्लानिंग के मुताबिक दो अलग अलग टुकड़ों में चांद की यात्रा कर रहे हैं। मगर सवाल भारत के मित्र देश रूस के लूना 25 पर है, क्योंकि मान के चलिए कि भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष में कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसमें चंद्रयान 3 या लूना 25 किसकी लैंडिंग पहले होगी, इस बात पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। हालांकि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि भारत का विक्रम लैंडर या रूस का लूना 25 कौन चांद की सतह पर पहले उतरेगा। महज कुछ दिनों का इंतजार है और भारत का मिशन चंद्रयान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। अब 23 अगस्त की शाम लगभग 5:47 पर लैंडर विक्रम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। डी बूस्टिंग दो चरणों में होगी। पहले चरण में 120-150 किलोमीटर की कक्षा होगी, दूसरे डी बूस्टिंग में 30-150 किलोमीटर की कक्षा होगी। 23 तारीख को जो है इंतजार है जब सही क्षण पर जो है उतार की प्रक्रिया शुरू होगी। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल की तरफ से चंद्रयान 3 की यात्रा को लेकर भी ट्वीट किया। इस ट्वीट में लैंडर की तरफ से प्रोपल्शन के लिए कहा गया है कि साथ में यात्रा के लिए शुक्रिया मित्र। लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब शुक्रवार शाम 4 बजे इसे चांद की कक्षा में नीचे की ओर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के टॉप 4 देशों में जगह बना लेगा। अमेरिका, चीन, रूस और अब भारत के नाम ये उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। Thank you.